ए, चेक करो। अब जाओ, तू जा रहे? हाँ सर। हाय। नाम क्या है? चांदनी। 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 चांदनी, क्या बात है चांदनी, तेरी आंखें सुंदर है, क्या बात है चांदनी, तेरा नाम चांदनी। सर, यहाँ एक आदमी गन टेबल पर रखकर बाथरूम में गया है। देखो मेरी बात सुनो। एड्रेस बता दीजिए सर। गंदे जल्दी। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? विजयकांत, गोली मत चलाना। गोली मत चलाना। बुलेट्स कहाँ हैं? गलत कर रहा है तू। ये नहीं है। मेरी बात सुन। दे, मेरी बात सुन। गलत कर रहा है तू। कहीं मेरे पास भी नहीं है। मेरी बात सुन। अरे बुलेट्स देना जल्दी, क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरेस्ट हिम। सर एक मिनट। बुलेट्स हैं क्या? किस लिए? इसे मारने के लिए। कोई जरूरत नहीं, हम अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करके क्या करेंगे? कोर्ट में ले जाएंगे और ये फिर से छूट जाएगा। हाँ, हे बुलेट्स दे। हे, मत देना। क्या रे, तू इसे मारकर बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता है क्या? तो फिर आप ही मारिए और हीरो बन जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गया क्या? सर बातें मत कीजिए, मार डालिए साले को। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे सिम, तुझे देख लूंगा। ए, चल 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 चल, तू तो गया। सीधा चल, सीधा चल, मिल जाएगा। किसने बताया इसको? हम यहाँ, ये इन्फॉर्मेशन इसे कैसे मिली? अब इन्हीं की कमी थी। सलन निकल गया हाथ से वो। अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बच निकलने वाली अंडरवर्ल्ड डॉन तलवार को आखिरकार विजयकांत ने गिरफ्तार कर लिया। तलवार अरेस्टेड। लोगों में गुस्सा है। एन वक्त पर गोलियां खत्म हो गई, इसीलिए उसे अरेस्ट करना पड़ा। एक और बाकी है, खालिद। जिस दिन वो कमीना मेरे हाथ लगा, उतार दूंगा सारी गोलियां उसके अंदर। खालिद, तलवार से संबंधित मामले में सरकार ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सर, आपके लिए फोन है। साले तेरे बहुत पार निकल गए। ए विजयकांत, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरी सारी बातें सुनता है। टीवी में क्या हीरोगिरी दिखा रहा है? मुझे तलवार समझता है क्या? खालिद हूँ मैं। और तू एक मामूली पुलिस वाला। तू मेरा क्या उखाड़ेगा? मार दूंगा साले, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो पुलिस वालों से ही अपना धंधा करवा सकता हूँ। एक फोन से तुझे खत्म करवा सकता हूँ, समझा? तो अब तक छुप कर क्यों बैठा था तू? क्या
जो करने का है वो करने के बजाय फालतू में गीदड़ भपकिया क्यों दे रहा है? ए, 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 रुक, रुक, तेरी फालतू बकवास सुनी ना मैंने, अब मैं बोलूंगा तू सुन। तू किसको सुना रहा है बे? हा? तेरा फोन उठाने के लिए जब तेरे आदमी नहीं बचेंगे तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? आ? तेरे 200 चूहों को ढूंढ कर निकालूंगा, चुन चुन के मारूंगा, तुझे जड़ से मिटा कर रख दूंगा। इसकी तुम्हें ए, तुझे तो सिर्फ मुझ अकेले को मारना है, दम है तो मार के दिखा। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरे फैमिली मेंबर्स मिलाकर कुछ 150 लोग हैं। तेरे भाई बहन जायज नाजायज बीवी बच्चे सब यहीं पर रहते हैं, ये शायद भूल गया है तू। तेरे सारे फैमिली मेंबर्स के डोर नंबर्स, फोन नंबर्स, सब कुछ पता है मुझे। अगर इस विजय कांत की खोपड़ी खसक गई ना तो सबको लिटा दूंगा। ए, तेरे यहाँ कितने काले धंधे है बताऊं क्या? तेरे ड्रग्स का कारोबार, यहाँ देवेंद्र और मुंबई में शकील मेंटेन करता है। जाली डॉलर्स यहाँ इंडिया में कैसे चलते हैं मुझे पता नहीं, समझ रहे क्या? दिल्ली में तेरे आदमी सुहेल को पकड़ के कान के नीचे बजाऊंगा ना तो सारे अड्डों का पता उगल देगा। सबको लगता है तू ज्यादातर एक्सटॉर्शन का धंधा करता है। इंडिया में डेली सोने चांदी का भाव जो है वो तू गिराता चढ़ाता है, ये कोई नहीं जानता। हर जगह मैच फिक्सिंग करा के तू कितने करोड़ों रुपए कमाता है ये मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा समझ रहा है क्या? हाँ, इसके अलावा पायरेसी भी करवाता है तू। अमेरिका में हिंदी फिल्मों की जो प्रिंट जाती है उसके मलेशिया में कॉपी करवाता है ये मैं नहीं जानता क्या? हाँ, साला बशीर को मास्टर कॉपी देकर 30 देशों में DVD बनाकर कम रेट में बेचता है। ए, पाकिस्तान से यहाँ आकर सब हिंदी फिल्में ही देखते हैं, लेकिन आज तक कभी एक शख्स भी पाकिस्तान से आकर हिंदी फिल्म खरीद कर लेकर गया है क्या? नहीं, वहाँ सिर्फ DVDs नहीं, सीधे थिएटर में फिल्में रिलीज करके दिखाई जाती हैं। कराची में तेरा एक थिएटर भी है, दिल खुश महल, और मकबूल उसे संभालता है। अगर अपनी खोपड़ी घूम गई ना तो देसी मारकर वहाँ पहुँच जाऊंगा और सबके वाट लगा दूंगा। तूने मुझ जैसे कितने लोगों को मारा है? 5, 10, 15 मैंने कितने लोगों को टपका है पता है ना? तू कोई भगवान है क्या साले? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या समझ कर रखा है? हाँ, हमने अच्छे अच्छे सुरमाओं को मार गिराया है, अदरक की तरह पिस कर चाय में डालकर छान कर पी जाऊंगा तुझे। भड़कता क्यों है भाई? है काहे का भाई, तेरा भाई लगता हूँ क्या मैं? एक बात सुन, हम आपस में समझौता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम लोगों की तरह मैं बातें नहीं करता हूँ, फाइनल सेटलमेंट करता हूँ। या तो तू रहेगा या मैं। तू मुझे वार्निंग देगा, मैं तुझे दूंगा, कोई फायदा नहीं देखते ही सीधा ठोक देने का। गोली तेरे पार होनी चाहिए या मेरे पार होनी चाहिए? आ!